बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें, हो दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हमारी रेडी वो खड़ी है तो बाइक के साथ बांधी हुई है, तो तबीयत कुछ बेहतर थी तो कल भी आया था, आज भी अब्बा जी के साथ चारा लेने के लिए निकले हैं, तो बाहर का माहौल देखने के लिए, क्योंकि घर में बैठा बंदा थक जाता है। तो चारा कटा हुआ है, बस लेके जाना है इस रेडी के पास। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, जहाँ से उठा के लेके आना हमने, तो दो दो पंडे उठा के लेके आ रहे हैं, बांधेंगे इधर ही फिर रेडी के ऊपर रखेंगे। तो राय के पट्टे हैं वो साथ हमने अभी काटने हैं, तो ये ख़रीदे हुए हमने सा इधर से चारा ख़रीदा हुआ है, तो क्यों अपना ख़त्म हो चुका था। इन दिनों में आके थोड़ी सी तंगी होती है चारे की, तो बस अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, चारा है वो लेके जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेडी का काम है, तो मिस्त्री आएगा, वो रेडी भी थोड़ी सी ठीक करवानी है, उसके बाद आप दोस्तों के साथ दो पिछले सूरत हाल है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। तो अभी बस चारा लेके चलते हैं जल्दी जल्दी से, फिर घर भी जाना, क्यों आज टाइम भी काफ़ी हो चुका है, नहीं तो इस टाइम हम चारा लेके चले जाते थे। तो लेकिन अभी अभी तो आज अभी तक कटा भी नहीं है, ये देखें ये अभी कटाई थोड़े से हुए हैं, थोड़े से रहते हैं, तो ये लेके जाने उधर, वजनी भी काफ़ी हैं ये। हमारे पट्टे आ चुके हैं, तो बस अगला काम जो हमारा है वो रेडी खोलने का है। ये हमारे छोटे मिस्त्री साहब हैं, अभी जी मैंने नाटा काब लो ना पिट्टी का तेल अड्डे से जाना है ना, अब जी मिस्त्री को, ये जी मिस्त्री खोल के चला गया। तो मसला इसका ना, इधर से बैरंग इसका लूज़ है, ये शाफ्ट में कुछ मसला आया हुआ है दोनों तरफ, तो ये लेके जाएंगे खरादिए के पास। अब्बा जी ये बैरंग कुछ ख़राब है, तो बैरंग भी नहीं आएंगे। तो अभी आज का काम यही है, अभी मिस्त्री को हमने भेज दी है, क्यों अभी ये जो शाफ्ट है इस पर काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे शाफ्ट बनने में, तो ये अब्बा जी बनवाने जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, वो ले गए हैं शाफ्ट अभी उठा के, तो जब ये बन के आएगी तो फिर उसके बाद इसका अगला काम करेंगे। और बैरंग खाने वाले शहर से लेके आने पड़ेंगे, वो भी फ़ोन किया है, शायद वो भी लेने जाएँ। तो बस इतनी देर हम इंतज़ार करते हैं, तो जब आ जाएंगे फिर मैं कॉल करूंगा मिस्त्री को, फिर अगला काम करेंगे हम। थोड़ा सा ना कैमरे की सफाई होने वाली है, तो सुबह हम गए थे तो वो गाचे के पट्टे थे जो हम सुबह लेके आए, तो अभी सिर्फ़ एक पंड है हमारी जो बरसीनी अराया बोलते हैं, तो वो भी अभी लेके जानी है, वो हमारे पट्टे कटे हुए हैं बस उठा के ही लेके जाने हैं, तो उनके सिलसिले में मैं इधर आया हूँ अपनी ज़मीनों की तरफ। हमारी गंदम की बिजाई काफ़ी टाइम से हुई हुई है, तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है गंदम भी, तो इधर अभी 2-3 दिन हुए हैं गंदम की बिजाई हो चुकी है, बस अभी देखते हैं कब तक ये सर उठाती है अपने बीज। तो ये इससे काफ़ी पहले की बिजाई हुई है, इसलिए का थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो अपने चारे की तरफ चलते हैं, ये देखें ये खूबसूरत मंजर भी है, काफ़ी फूल भी हैं, खुशबू भी इनकी अच्छी है, साग भी इनका ही पकता है। तो ये हमारे चारा कटा हुआ है, थोड़ा सा अभी कटा है, देखते हैं थोड़ा सा अगर हो ज़रूरत पड़ी तो हम इधर से काट लेंगे। तो इधर से हमने लेने थे तो वो हमने ले लिए हैं, तो इन्होंने हमारी तरफ से चारे थे तो हमने अब इनकी तरफ से ये चारा काटना है। तो ये गांव में अक्सर होता रहता है कि एक दूसरे से लेते रहते हैं, तो मुश्किल के वक़्त जब उनके पास नहीं होते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं, तो जब हमारे पास नहीं होंगे तो उनके पास चले जाते हैं, तो ये सूरत हाल होती है। तो हमने इधर से तकरीबन ये 6 मरले लिए हैं, पता नहीं 4 मरले हैं, तो उनसे लेने थे, क्यों हम उन्होंने हमसे वहाँ से लिए थे, वहाँ से काटे थे हमारा चारा, तो उन्होंने काफ़ी तकरीबन 1 कनाल काटी थी, तो कुछ हमने उधर से ले लिए थे,
उस साइड से, तो कुछ रहते थे वो इधर से उन्होंने दे दिए। तो ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर भी है इधर का। ये सोयू हीरो अभी इसको कॉल करके उठाया है मैंने। हैं तेनू यही जगह लभी मोटरसाइकिल तो होनी कितों टुबियां ला गए हैं। तू काम करना है, तू काम करना। मैं क्या फायदा ਧੋਣ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੱਕੇ ਜੁਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਓਨੀ ਦੇ ਚ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਓਨੀ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੂਰਾਂ ਕੀਤਾ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਉਲਟੇ ਦੇ ਦਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਬਰ, ਹਾਂ ਡੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਏ। पहले मैंने तैयार करके दिए थे इसको, इसको पसंद नहीं आई, इसने खुद तैयार किए। तेरे वाला ये था तेरे वाला, ये एक आ वाला एक सी तेरे वाला। ये शाफ्ट का काम करवाया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ये दूसरी तरफ से ये बैरिंग लेके आए सेकंड हैंड, न्यू जैसे ही हैं। काम करेंगे हमारा ये, तो एक वो भाई लगा हुआ है। ये अभी सुबह से खोली हुई है, तो अभी तकरीबन चार का टाइम हो रहा है, चार साढ़े चार का टाइम है। तो अब आगे ये काम मुकम्मल होगा, अभी भी तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा काम करते हुए। तो अभी बस लगे हुए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये पुट्ठा काम है ठीक है। नाम की है चैनल का नाम किन्ने के दा सेकंड हैंड लाभदायक जापान लिखा कि ये तैयार हो चुकी है मुकम्मल काम। तकरीबन मगरिब से ऊपर ही हो गया टाइम काम करते हुए। इसमें थोड़ी सी लचक थी, इसकी वजह से यह काम किया हमने। तो अभी इसको सीधा करना है, लेकिन हम दो जने हैं, दोनों छोटे हैं। तो अभी देखते हैं एक दो को लेके फिर इसको सीधा करेंगे, क्यों हम दोनों का काम नहीं है इसको सीधा करना, क्योंकि काफ़ी वज़नी है, तो आगे भी इसको संभालना पड़ेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बाद में देखेंगे इसको सीधा कर लेंगे, अभी ऐसे ही पड़ी रहे। तो अभी टाइम काफ़ी हो रहा है, तो आगे इरादा तो कुछ नहीं है करने का, सिर्फ खाना है और सोना है, या रात इशा की टाइम की नमाज है। तो बस अभी इसकी एडिटिंग करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि आज ही इसको अपलोड किया जाए। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।